आप देख रहे हैं चर्चित इंडिया न्यूज, जज्बा सदिखाने का। आज दिल्ली के कच्ची खजूरी क्षेत्र अंतर्गत ए टू जेड क्राइम ईगल ब्यूरो एनजीओ के सौजन्य द्वारा मजदूर एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूर वर्ग की समस्याओं को उजागर करने, मजदूरों की हक को दिलवाने जैसी बात भाषण के जरिए काफी मजदूर वर्ग की उपस्थिति में कही गई। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों का भी फूल मालाओं द्वारा स्वागत किया गया। देखिए, करावल नगर क्षेत्र में जो कामगार हैं सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, और यदि कामगार और छोटे व्यवसायी को जोड़ दिया जाए तो पूरा करावल नगर इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। और इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम किए क्योंकि एक शुरुआत हम लोग करना चाह रहे थे कि जो मजदूर हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको हम कैसे मदद पहुँचा सकते हैं। तो और यदि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मदद पहुंचाने में कि वो संगठित रहें और उनका कोई भी समस्या हो तो वो हमसे संपर्क करें। हम लोग कांग्रेस पार्टी का एक विभाग है, ऑल इंडिया संगठित कामगार कांग्रेस, उस विभाग का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। मैं यहाँ पर हमारा स्थानीय कार्यालय तुकमीरपुर में है। तो जो भी मजदूर हों, छोटे व्यवसायी हों, वो आगे बढ़ने के लिए या क्षमता विकास करने के लिए या कहीं काम कर रहे हैं और उस काम में उनको कोई अड़चन आ रहा है या किसी ने उनके पैसे रोक रखे हैं या उनको जो न्यूनतम मजदूरी है उनसे कम दिया जा रहा है, तो किसी भी किस्म का समस्या के लिए रोजगार संबंधित वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उन्हें मदद करेंगे। तो इसकी एक शुरुआत है, ये पहली बैठक थी। इस ढंग से हम लोग कई बैठक करेंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, क्योंकि मजदूर जो है वो थोड़ा बिखरे होते हैं, असंगठित नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। तो उनको जागरूक करेंगे, उनको संगठित करेंगे और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का मदद करेंगे। आज का कार्यक्रम ए टू जेड क्राइम ईगल ब्यूरो एनजीओ के द्वारा मजदूरों को एकत्रित करने के लिए और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। जो सरकार द्वारा सहायता मिलती है लेकिन मजदूरों तक वो नहीं पहुंचती, मजदूर उससे अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है, इसलिए हम उनको एकत्रित करके उनको इसकी सहायता दिलवाने के लिए गवर्नमेंट सरकार पर दबाव बनाएंगे। अभी मजदूर जलते हैं, अभी मजदूर पिसते हैं, अभी मजदूर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाती, घर भगा दिए जाते हैं, उनके बारे में क्या सरकार करे, उनके लिए करना एनजीओ का काम है। असंगठित लेबर है, उसका संगठन बनाने के उनके अधिकारी की लड़ाई के लिए हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है श्री माननीय अरविंद जी और एनजीओ के सौजन से ये सारा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो राष्ट्रीय चेयरमैन नहीं है, एनजीओ है ए टू जेड ईगल क्राइम ईगल ब्यूरो, उसके सौजन से सारा प्रोग्राम हो रहा है। और हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन श्री माननीय अरविंद जी उनके नेतृत्व में हो रहा है, और जिसमें हम मजदूरों की अधिकारों की लड़ाई सरकार से उनकी मांग कर रहे हैं। हम किस तरह की जो लड़ाई है आप लड़ने जा रहे हैं और क्या क्या उनकी डिमांड है, जो 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 मजदूरों के अधिकार होते हैं, जो असंगठित मजदूर हैं उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर कोई कोई ना तो उनका सिस्टम होता है काम करने का, जब मर्जी रख लेते हैं, हटा देते हैं, उनकी जो पैसे होते हैं वो भी उसमें टाइम पर नहीं मिल पाते हैं, और उनका ना बीमा है, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी तुम्हारे 43 मजदूर मरे उस फैक्ट्री में, हम चाह रहे हैं हर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके गरीब लड़कियों की शादी के में गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। इन्हीं अधिकारों पर हम सरकार से मांग कर रहे हैं। यदि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आपको चर्चित इंडिया न्यूज देता है अपने साथ जुड़ने का एक मौका। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद।